गुरु पतंजलि की अगर हम बात करें तो उन्होंने हेल्दी लाइफ की थ्योरी दी थी, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में है। लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यम नियम काफी चर्चा में है। आपने इन यम नियम के बारे में बताया, कैसे इन यम नियम का पालन किया जा सकता है इसके बारे में भी बताया। वहीं अगर मैं गुरु पतंजलि की बात करूं तो अष्टांग योग की उत्पत्ति उनसे हुई, तो वो है क्या, कैसे लंबी आयु का वरदान पाया जा सकता है, वो जो आशीर्वाद रूपी पैकेज है ना, वो पूरा पैकेज आप समझाइए। मैं बता दूं, ये जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सिख दर्शन, शैव हैं, शाक्त हैं, जितने भी हमारे घटक हैं सनातन के, एक बात देखो, दो बातें इसके साथ बोलता हूँ। एक तो कुछ लोग पिछले दिनों कह रहे हैं कि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सर्वोपरि गुरु हैं, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है। जैन परंपरा के सर्वोच्च धर्म गुरु अलग हैं, सिख परंपरा के अलग हैं, बौद्ध परंपरा के अलग हैं, शैव शाक्त परंपरा के अलग हैं। हमारे जो रामानंदी संत हैं उनके जो जगत गुरु, जो उनके जो शिखर पुरुष अलग हैं, लिंगायत हैं उनके अलग हैं, हमारे जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो नाथ परंपरा है उसके सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य नहीं है, उसके सर्वोच्च धर्मगुरु हमारे गोरखपीठाधीश्वर और एक यहाँ स्थल बोर रोहतक में, वो उसके सबसे बड़े गुरु। ऐसे अलग अलग रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अलग अलग हमारी गुरु परंपराएं हैं। एक बात सत्य है, सबके शंकराचार्य कहो या सर्वोच्च धर्मगुरु कहो अलग अलग हैं, लेकिन सबके जो मूल सिद्धांत हैं वो अष्टांग योग पर, यम नियमों पर आधारित हैं। भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, गुरु नानक देव हो, गुरु गोविंद सिंह हो, जितने भी भारत, ये भारत की मिट्टी में, भारत की गुरु परंपरा में, ऋषि परंपरा में, जिन भी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैचारिक जो हमारी परंपराएं हैं उनके मूल सिद्धांत क्या हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियमों के बारे में अभी आपको बताया। यम नियम माने हमारे, यम हमारे सार्वजनिक जीवन के जो विधिविधान है, सार्वजनिक जीवन की शुचिता के जो विधि निषेध हैं उनको यम कहा है, और वैयक्तिक जीवन की शुचिता को नियम कहा है। तो देखो, यम सारे संसार के साथ हमें अहिंसा, परमो धर्म का, सत्य का व्यवहार करना, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का व्यवहार करना है, और वैयक्तिक जीवन में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो सार्वजनिक जीवन के की जो मर्यादाएं हैं उसको यम कहा है, वैयक्तिक जीवन के जो मर्यादाएं हैं, आदर्श, आचरण, उनको नियम कहा है। फिर आसन, आसन क्या है, स्थिर सुखम आसनम। एक तो हम स्थिरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, अब जैसे हम वज्रासन में बैठे से पद्मासन में, किसी भी एक आसन में बैठ गए, अब जैसे हमारे बच्चे अलग अलग आसनों में यहाँ पर लगे हुए, ऐसे एक आसन में बैठ गए, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्यम तो द्वंद्व अनभिघात। बहुत दिनों से मैं बताना चाह रहा था, ये पूरा अष्टांग योग अच्छा हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त कहने का सौभाग्य मिल रहा है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को कहने का। आसन, और आसन से क्या होगा, इससे सारे द्वंद्व, रोग और जितने भी मन के द्वंद्व है, मन के द्वंद्व है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मन के द्वंद्व है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर विजय आ जाती है आसन ठीक से करें तो। और प्राणायाम से तो पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, चेतना सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर प्रत्याहार अर्थात अपने आप को अंतर्मुखी करना, सित प्रज्ञ करना, और फिर धारणा, ध्यान, समाधि लगाना, देश बंध चित्त से धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तदेव अर्थमात्मनिर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। इसी को धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ लग जाए, इसी को मेरे भाई अमित जी, त्रयम एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः कह करके महर्षि पतंजलि ने कहा है जी योग दर्शन में।